प्यारे बच्चों, आज हम भारत की खोज का जो पार्ट दो है तलाश, उसका प्रश्न अभ्यास भाग एक करते हैं। बच्चों, भाग एक में हम पढ़ा गया जो भाग है भारत के अतीत की झांकी, उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न लेते हैं। बच्चों, तो आओ पहला प्रश्न है, भारत की अमरता के विषय में नेहरू जी के मन में कौन से प्रश्न उभरते थे? तो उत्तर है, नेहरू जी भारत की अमरता से पूर्ण रूप से अभिभूत थे। उनके मन में निम्नलिखित प्रश्न उभरते थे, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? आज उसके पास ऐसा क्या बचा है जिसे मजबूत कहा जा सके, तथा आधुनिक विश्व में उसका तालमेल कैसे बैठ सकता है? तो इस तरह से बच्चों, नेहरू जी जो है भारत की अमरता के विषय में इस तरह के सवाल उनके मन में उठते थे या सामने आते थे। तो ये सवाल आपकी पाठ में शुरू में ही दिया हुआ है, जब हमने भारत के अतीत की झांकी पढ़ी थी, तो अतीत का अर्थ भी आप अच्छे से जान चुके हैं, बीता हुआ समय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बीते हुए समय के संबंध में इस तरह के सवाल जो है अपने मन में उठाए हैं कि बीता हुआ जो समय है वो भारत का कैसा था। तो बच्चों, ये पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर दो, लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो के विषय में क्या बताया था? तो उत्तर है, लेखक भारत के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना चाहता था, इसी दृष्टि से उसने सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया। उसने इसके विषय में कहा कि 5000 वर्ष पूर्व निर्मित होने वाली यहाँ की सभ्यता पूर्ण विकसित थी, तथा यही भारत की आधुनिक सभ्यता का आधार भी थी। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता सदैव परिवर्तनशील एवं विकासशील रही है। दूसरी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का संपर्क भी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हिला नहीं सका। हमारी सभ्यता और संस्कृति बाहरी आक्रमण से प्रभावित नहीं हुई, भले ही बाहर से लोग यहाँ पर आते रहे, आक्रमण करते रहे और शासन भी किया, लेकिन कहते यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में किसी भी तरह का अंतर नहीं देखा गया। तो ये यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। तो उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता का भी यहाँ पे अध्ययन करके बताया है कि वहाँ की जो सभ्यता थी वह विकसित थी। फिर उन्होंने पाठ में एक आपको चित्र भी दिया है, जिसमें उन्होंने मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार भी बताया है। तो सभ्यता के विकसित होने का ही उदाहरण है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीन, नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों एवं विदेशी साहित्यों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर है बच्चों, नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों एवं अन्य विदेशी लोगों के साहित्यों के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम उनके द्वारा बताई गई भारत की विशेषताओं को जान सके, यानी कि बीते हुए समय में जो भारत महान रहा है, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या अच्छी बातें रही है, सभ्यता और जो संस्कृति है वो भारत की बाकी देशों से भी महान बताई जाती है। तो सबसे पहले भारतवासियों को ही सभ्य बताया जाता है कि सबसे पहले जो सभ्य बने वो भारत के लोग बने। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हमें विदेशियों के साहित्यों का अध्ययन करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब प्रश्न नंबर चार है, नेहरू जी कुंभ के स्नान पर हैरान क्यों हुए थे? तो उत्तर है,
नेहरू जी को कुंभ के स्नान पर्व को देखकर यह हैरानी होती थी कि यह पर्व सदियों से बराबर चला आ रहा है। इतने वर्षों से गंगा स्नान का महत्व बना हुआ है। भारत की ना जाने कितनी पीढ़ियों का इस नदी के साथ निरंतर लगाव बना हुआ है। हजारों वर्षों से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने जाते हैं। आज भी यह आस्था एवं विश्वास गंगा के प्रति बने हुई है। तो बच्चों, जैसे कई हजारों वर्ष पहले लोगों का विश्वास होता था गंगा स्नान का और उसे पवित्र नदी माना जाता है, जैसे कुंभ के अवसर पर तो वहाँ सैकड़ों श्रद्धालु जो है आकर स्नान करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि लोगों में अब भी ऐसी ही आस्था और विश्वास है उस पवित्र नदी गंगा के प्रति। तो ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा है। बच्चों, तो अब चलते हैं, अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत के अतीत की झांकी शीर्षक के अंत में नेहरू जी ने क्या निष्कर्ष निकाला है, अब जानते हैं। भारत के अतीत के अध्ययन से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रभावित हुए थे। वे इसके अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति चाहे कितनी ही प्राचीन क्यों ना हो, किंतु उसका महत्व आज भी बना हुआ है। आधुनिक भारत की नींव का आधार भारत की प्राचीन संस्कृति ही है। तो बच्चों, ये उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला था, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए थे कि कितनी पुरानी क्यों ना हो लेकिन उसकी अहमियत आज भी है। और उन्होंने आधुनिक भारत का आधार भी हमारी प्राचीन संस्कृति को ही माना है। बच्चों, तो आपको ये जो हमने पढ़ा गया पाठ 2 तलाश है, उसका भाग 1 भारत के अतीत की झांकी के बच्चों प्रश्न जो हमने किए हैं, इनके उत्तर आपको जरूर समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।